हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल बबली इंदौरी में। तो आज हमारे साथ हैं सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर और ये है उनके ओनर। तो आज इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो क्या क्या खूबियां हैं, कितने का है, कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, आपको ये सारी जानकारी भैया देते रहेंगे, क्योंकि ये इनको पता है, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो ये आपको सब कुछ बताएंगे। तो भैया आप बताएंगे प्लीज इनके बारे में। अगर मैडम, अगर ट्रैक्टर की अगर कीमत की बात की जाए तो 7-7.5 के समथिंग ये ट्रैक्टर अपने को पड़ता है। और उसके बाद में अगर लुक वाइज अगर देखा जाए मैम, तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है ट्रैक्टर। अगर रोड पे अगर चलता है तो लोगों का दिल बहला देता है, एकदम दिल बहलाने वाली बात है। अगर इसके अंदर फीचर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हाइड्रोलिक फीचर दे रखा है। अगर बोनट उठाया जाए तो बोनट के अंदर डबल हाइड्रोलिक पावर दे रखा है। अगर हॉर्न और कूलिंग का सिस्टम अगर देखा जाए तो जैसे पुराने ट्रैक्टर में कूलिंग वगैरह अपन डालते थे, पानी वगैरह की काफ़ी समस्या आती थी, काफ़ी हीट करता था सर, तो वो समस्या ये ट्रैक्टर में नहीं आ रही है। इसके बाद में अगर देखा जाए इंजन का, तो 3 सिलेंडर का इसका इंजन दे रखा है। लू वाइज में अगर लाइट देखी जाए तो नाइट में अगर इसको चलाने में कोई समस्या नहीं आती खेती वगैरह में, ताकि खेत में अगर अपन मैम अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो लू वाइज भी चाहिए, लाइट वगैरह का भी अगर फोकस अगर अच्छा रहेगा तो किसान नाइट में भी अगर व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकता है। ऊपर भी लाइट वगैरह की काफ़ी सुविधा दे रखी है छत के अंदर, और इसके अंदर एसेसरीज हमने अलग से भी डलवा रखा है मैम। अगर इसका अगर स्पेस की अगर बात की जाए तो हमारे साथ सीट पर बैठे हुए हैं राकेश जी, हमारे बड़े भैया, तो इनकी हाइट मैम 7 फीट के समथिंग है। इनको बैठने में कोई समस्या नहीं आती। पहले ये बहाने बनाते थे कि अगर इनको खेत में बैठते हैं उनको, अगर मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरे को बैठने में समस्या आ रही है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है इसके अंदर, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब इनको भी ट्रैक्टर चलाने में इतने आनंद आते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक भी अगर इनको बैठा रखो तो इसके अंदर हमने म्यूजिक प्लेयर लगा रखा है, तो ये गाने अपने सुनते रहते हैं और ट्रैक्टर चलाते रहते हैं। तो 2 व्यक्ति का कार्य एक व्यक्ति भी कर सकता है इसके अंदर। अगर गियर की अगर बात की जाए मैम, तो गियर की भी सुविधा काफ़ी दे रखी है। आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर अगर चाबी भी अगर भूल जाते हैं, हमारे राकेश भैया की थोड़ा सा बुलाव सुबह हुए, अगर चाबी वगैरह भी अगर भूल जाते हैं तो इसके अंदर एक न्यूट्रल गियर दे रखा है। अगर गियर में रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा जब तक इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे अपन। चैनल गियर दे रखा है इसके अंदर, न्यूट्रल होने के बाद में ही ये स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर कोई बच्चे वगैरह भी अगर बैठे हैं, बच्चों का क्या रहता है मैम, हमारे यहाँ खेलते वगैरह रहते हैं, तो ये भी बैठे हैं। बालिका ये सोम्या बैठी हुई है उधर, वो टेनिस के बैठी हुई है। अगर इसके बाद में अगर टायर की अगर बात की जाए तो टायर की ग्रिप भी अच्छी है। अगर अपने जूते अगर अच्छे हैं, आप भी चप्पल अच्छी पहन के आए हो तो आज खेत में घूम पा रहे हो, नहीं तो घूम ही नहीं पाते। अगर पीछे से अगर अपन देखा जाए तो मेन मुद्दा आता है इसके अंदर टापलिंग का। अगर टापलिंग अगर हैवी है, वेट उठाने की अगर शक्ति है, तो व्यक्ति के ऊपर कितना वेट डाल दो, अगर इसकी ताकत इतनी है कि इसके अंदर अगर लिफ्ट की अगर ताकत की अगर बात की जाए तो 2000 kg से ऊपर की ताकत है मैम। हमें पानी की टंकी वगैरह दवाई उड़ाने के लिए लेके जाते हैं, 500 लीटर की पानी की टंकी रहती है, और प्लस में उसका जो 2 क्विंटल अगर वजन रहता है वो रहता है, तो 6000 लीटर के समथिंग वेट हो जाता है। अगर इसके अंदर इसकी बात की जाए प्लव वगैरह में सुविधा की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर प्लव की सुविधा की बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रखी है। दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले इसमें दूसरे ट्रैक्टरों में अलग से डलवाना पड़ता है, पर इसके अंदर वो अलग से नहीं करवाना पड़ता है। और ट्राली लगाने में हेडलाइट का ये जो दे रखा है लाइट का सिस्टम, ये काफ़ी बेहद शानदार दे रखा है। दूसरे ट्रैक्टरों में क्या है कि ट्रॉली रिवर्स लगाते हैं तो ट्रैक्टर हमेशा उल्टा कटता है, ट्रॉली को उल्टी काटती है, तो ये हेडलाइट वगैरह टूटने का काफ़ी डर रहता है। इसका माइलेज कितना है? अगर मैम अगर माइलेज की बात की जाए तो 2 ट्रैक्टर के मुकाबले जो दो ट्रैक्टर कार्य करते हैं, जितने डीजल में 2 ट्रैक्टर कार्य करते हैं इतने में एक ही काम करता है, मात्र 3 से 3.5 लीटर डीजल लेता है। और रोड पे तो बहुत ही कम डीजल लेता है, 2 से 2.5 लीटर ही डीजल लेता है एक घंटे में। करीबन ज़मीन अगर बखराई वगैरह की जाए तो बखरने में 4 से 4.5 बीघा 5 बीघा के समथिंग निकालते हैं। और आगे राकेश जी चलाते हैं इस ट्रैक्टर को व्यवस्थित तरीके से। इसमें पावर स्टेयरिंग है, फीचर भी अच्छे हैं, लाइट भी अच्छी है, रात में कोई दिक्कत नहीं रहती है, चलाने में भी बैठने में समस्या नहीं आती है, उतरने मिलने में भी स्पेस अच्छी है इसमें, यहाँ पे आरामदायक है पूरा। सलेन जी, तो आप इस ट्रैक्टर के बारे में किसान भाइयों को कुछ और सलाह देना चाहते हैं? मैम अगर ट्रैक्टर के विषय में अगर सलाह दी जाए किसानों को, तो सोनालिका ट्रैक्टर से बेस्ट अगर मेरे को तो अभी तक जो मैंने ट्रैक्टर चलाए हैं, इसका स्कॉट भी चलाया है, महिंद्रा भी चलाया है, अदर भी ट्रैक्टर हैं,
उसके विषय में, इसको जो चलाने में मेरे को जो आनंद आते हैं, जो एक फील आती है चलाने में, वो दूसरे ट्रैक्टर में नहीं आती है। और किसान किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि सोनालिका ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर अगर लेना ही है तो सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर लें 50। कहने का मतलब सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है मैम। तो आपने देखा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर करें, और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और पूरी जानकारी लेते रहिए। तो नमस्कार, थैंक यू।